हेलो दोस्तों, लेक्चर नंबर 18 में हम सॉल्व करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 7, बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स। इसके पहले आपका 17 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है लाप्लास ट्रांसफॉर्म के। अगर आप उसको सी नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप उसको देख लीजिए, जिससे कि आप सबका जो क्रम है वीडियो का वो अच्छा सा हो जाए। तो देखिए, यहाँ पे लाप्लास ऑफ टी इंटू एफ डबल डैश ऑफ टी इज इक्वल टू, आपको प्रूफ करना है, फिर सो दैट करना है, माइनस एस स्क्वायर डी एफ अपॉन डी एस माइनस 2sf प्लस एफ ऑफ जीरो। देखिए, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बता दिया था कि आप p के स्थान पे s प्रयोग कर सकते हो, तो यहाँ पे p के स्थान पे आपका s आया है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। वी नो दैट, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे, हम जानते हैं, वी नो दैट क्या जानते हैं, कि लाप्लास ऑफ f डबल डैश ऑफ t, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है, इसको आप नोट कर लीजिए, एस स्क्वायर लाप्लास ऑफ फंक्शन एफ ऑफ टी माइनस एस फंक्शन एफ ऑफ जीरो और माइनस एफ डैश ऑफ जीरो। इसी को आप इक्वेशन वन लेट कर लीजिए। यह आपका एक फार्मूला है कि लाप्लास ऑफ एफ डबल डैश ऑफ टी इज इक्वल टू एस स्क्वायर लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एस एफ ऑफ जीरो माइनस एफ डैश ऑफ जीरो। नाउ यहां पे लिखिएगा, नाउ लाप्लास ऑफ टी इंटू एफ डबल डैश ऑफ टी मल्टीप्लीकेशन बाय टी के फार्मूले से क्या हो जाएगा, यहां पे टी की पावर वन है, क्या होता है माइनस वन की पावर एन, तो एन यहां पे क्या है, वन है, तो माइनस वन ही रहेगा। d बाई डी पी होता है, तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे p के स्थान पे क्या है, s आया है, तो ये हो जाएगा d बाई डी एस। लाप्लास ऑफ f ऑफ p, f ऑफ p क्या होता है, जो आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f डबल डैश ऑफ t लिख निकालते हो, तो यहीं पे हो जाएगी f डबल डैश ऑफ t। ये कैसे आया, बाय मल्टीप्लीकेशन बाई t से। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो माइनस d बाई ds। अब देखिए, लाप्लास ऑफ f डबल डैश ऑफ t, ऊपर आपने इक्वेशन वन लिट किया है, इसके स्थान पे आप क्या लिखोगे, s स्क्वायर लाप्लास ऑफ f ऑफ t माइनस s f ऑफ जीरो माइनस f डैश ऑफ जीरो। चलिए इसको यहाँ पे लिखते हैं, तो ये हो जाएगा s स्क्वायर लाप्लास ऑफ फंक्शन f ऑफ t माइनस s f ऑफ जीरो और ये हो जाएगा माइनस f डैश ऑफ जीरो। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस डी बाई डी एस एस स्क्वायर, इसके स्थान पे आप लिख सकते हो स्मॉल एफ ऑफ एस माइनस एस एफ ऑफ जीरो, जैसे है वैसे मैंने लिखा, और यहां पे एफ डैश ऑफ जीरो। इसको यहां पे आप नीचे लिख दीजिए कि लाप्लास ऑफ फंक्शन f ऑफ t किसके इक्वल होता है, इसी को आप तो f ऑफ p मानते हो, लेकिन इसी को आप यहां पे क्या मानोगे, f ऑफ s मानोगे फॉर पैरामीटर s। फॉर पैरामीटर s, चलिए इसका हम s के रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो माइनस को बाहर लगा रहने दीजिए, एस स्क्वायर को छोड़िए, यहां पे मल्टीप्लीकेशन लगेगा यू इंटू वी का, तो आप यू को लेते हो और वी का क्या करते हो, डिफ्रेंसिएशन किसके रिस्पेक्ट में, एस के रिस्पेक्ट में, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी एफ अपॉन डी एस डी एफ अपॉन डी एस, तो लगाते हो प्लस, इसको आप लिखोगे एफ ऑफ एस और एस स्क्वायर का क्या हो जाएगा, टू एस हो जाएगा, तो 2s f हो जाएगा माइनस f ऑफ 0 इंटू में s है, तो s का s के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा और माइनस f ऑफ 0 आ जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। अब देखिए आगे इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा माइनस एस स्क्वायर
डी एफ अपॉन डी एस, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या है माइनस है, तो ये हो जाएगा माइनस टू एस एफ, और ये माइनस माइनस प्लस एफ ऑफ जीरो। यही आपको प्रूफ करना था या फिर आपको सो दैट करना था, आप ऊपर देख लीजिए। लाप्लास ऑफ टी इंटू एफ डबल डैश ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस एस स्क्वायर डी एफ अपॉन डी एस माइनस टू एस एफ प्लस एफ ऑफ जीरो, जो कि आपका देख लीजिए फाइनल में यही निकल के आया है लास्ट स्टेप में, माइनस एस स्क्वायर डी एफ अपॉन डी एस माइनस टू एस एफ प्लस एफ ऑफ जीरो। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 को आप नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि सो दैट, आपको क्या सो दैट करना है, इंटीग्रेशन, आपको यहां पे सो दैट करना है इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट, 0 से इनफाइनाइट टी ई की पावर माइनस थ्री टी इंटू में साइन टी डी टी इज इक्वल टू, आपको प्रूफ करना है 3/50। यह आपका है क्वेश्चन, इसको आपको सो दैट करना है, फिर आपको प्रूफ करना है। तो देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे। यहां पे क्या है क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट टी ई की पावर माइनस थ्री टी साइन टी इंटू में डी टी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप पे आप क्या करोगे, वी नो दैट, हम यहां पे जानते हैं एक फार्मूला होता है, क्या होता है, आइए पहले उसको लिखते हैं। वी नो दैट, इसको मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बता दिया था कि लाप्लास ऑफ फंक्शन एफ ऑफ टी किसके इक्वल होता है, इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट ई की पावर माइनस पी टी इंटू में फंक्शन एफ ऑफ टी डी टी, ये इक्वल होता है इसके। आई दैट, इसी को आप क्या लिख सकते हो, इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट ई की पावर माइनस पी टी इंटू में फंक्शन एफ ऑफ टी डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लाप्लास ऑफ फंक्शन एफ ऑफ टी। अब देखिए बच्चों ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट ई की पावर माइनस पी टी। अब देखिए एफ ऑफ टी यहां पे क्या है, टी इंटू में साइन टी है, इसको आप यहां पे लिख दीजिए टी साइन टी, और इंटू में क्या है डी टी है, तो आप लाप्लास किसका निकालोगे, फंक्शन एफ ऑफ टी का, तो एफ ऑफ टी यहां पे क्या है टी साइन टी है। चलिए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लीकेशन बाई टी का कॉन्सेप्ट यहां पे अप्लाई होगा, जो कि टी की पावर 1 है अर्थात एन इज इक्वल टू 1 है, तो माइनस 1 की पावर एन होता है अर्थात माइनस 1 की पावर 1, यहां पे होता है डी बाई डी पी इंटू में एफ ऑफ टी। एफ ऑफ टी क्या होता है, एफ ऑफ टी या फिर एफ ऑफ पी, इसी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है जो कि लास्ट स्टेप में आता है, या इसी को लिख दीजिए कि लाप्लास ऑफ साइन टी, मल्टीप्लीकेशन बाई टी के कॉन्सेप्ट से यहां पे आ जाएगा माइनस वन डी बाई डी पी लाप्लास ऑफ साइन टी, ये क्या हो जाएगा माइनस डी बाई डी पी। अब आपको साइन ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म पता है, साइन ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, होता है ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या होता है ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आइए इसको सबसे पहले लिखते हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ए के स्थान पे यहां पे क्या है वन है, वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, तो वन ही रहेगा। अब देखिए आप वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन का पी की रिस्पेक्ट में आपको क्या करना है, डिफ्रेंसिएशन करना है। चलिए इसको अच्छे से करते हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस बाहर लगा रहने दीजिए, पहले आप क्या लिखते हो हर को लिख लेते हो, अब अंश का अवकलन होगा पी की रिस्पेक्ट में, तो वन का पी की रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, फिर लगाते हो माइनस इंटू में लिखोगे अंश वाला अर्थात वन इंटू में अपान वाले का क्या हो जाता है डिफ्रेंसिएशन, तो पी स्क्वायर का क्या हो जाएगा टू इंटू पी, और वन का हो जाएगा जीरो, अपान में क्या करते हो इसी का होल स्क्वायर हो जाएगा।
अब देखिए ये तो जीरो हो जाएगा और ये माइनस है, ये माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस टू इंटू पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। अब देखिए आपका किसके इक्वल है, ये आपका इक्वल है इंटीग्रेशन जीरो से इनफाइनाइट ई की पावर माइनस पी टी टी साइन टी इंटू में डी टी के इक्वल टू है। लेकिन आपके क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है, p के इक्वल टू यहाँ पे क्या है, थ्री है। तो आप यहाँ पे टेक कर लोगे, टेक p इज इक्वल टू थ्री, यहाँ पे टेक कर लीजिए, देन वी गेट। तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा इंटीग्रेशन जीरो से इनफाइनाइट e की पावर माइनस p के स्थान पे क्या 3t और t साइन t इंटू में dt इज इक्वल टू यहां पे क्या हो जाएगा 2 इंटू में 3 हो जाएगा अपॉन में 3 स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा 6 अपॉन 3 जा 9 प्लस 1 10, 10 की पावर 2 100 और 6 अपॉन 100 किसके इक्वल हो जाएगा 3/50। यही आपको ले आना था, सो दैट करना था, फिर प्रूफ करना था। अब इसको फिर से देख लीजिए मैंने इसको कैसे सॉल्व किया है। सबसे पहला काम आप फार्मूला जानते हैं, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन जीरो से इनफाइनाइट ई की पावर माइनस पी टी एफ ऑफ टी डी टी। मैंने इसी का क्रम यहाँ पे बदल कर लिख दिया है। अब आपको एफ ऑफ टी यहाँ पे क्या था क्वेश्चन में, टी इंटू में साइन टी था, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी इंटू साइन टी, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन बाई टी का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस वन डी बाई डी पी लाप्लास ऑफ साइन टी। साइन टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो कि ए के स्थान पे यहाँ पे वन था, तो वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा। अब इसका आप पी की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करोगे, यू अपॉन वी का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, तो आपको मिलेगा टू पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, जो कि आपको यहाँ पे चाहिए था थ्री। तो मैंने यहाँ पे टेक कर लिया p इज इक्वल टू थ्री, देन बी गेट हमको प्राप्त होगा इंटीग्रेशन जीरो से इनफाइनाइट e की पावर माइनस थ्री टी टी इंटू साइन टी डी टी इज इक्वल टू आपको मिलेगा टू इंटू थ्री अपॉन थ्री स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, जो कि मिलेगा सिक्स अपॉन हंड्रेड इज इक्वल टू यही हो जाएगा थ्री अपॉन फिफ्टी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर एट। चलिए हम क्वेश्चन नंबर नाइन को सॉल्व करते हैं, जो कि आपका एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और आपके चैप्टर का भी लास्ट एक्सरसाइज ही है। इसके बाद हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर नाइन में आपसे कह रहा है कि सो दैट लाप्लास ऑफ ई की पावर टी माइनस कॉस टी अपान में क्या हो जाएगा टी, यही किसके इक्वल है। आपसे कह रहा है कि सो दैट करिए कि माइनस लॉग पी माइनस वन अपॉन अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस वन। चलिए इसको हम सो दैट करते हैं। तो यहां पे आपसे कह रहा है कि लाप्लास ऑफ e की पावर t माइनस कॉस t अपॉन t इज इक्वल टू माइनस लॉग p माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन। तो यहां पे हम जानते हैं, वी नो दैट वी नो दैट हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि लाप्लास ऑफ वन अपॉन टी एफ ऑफ टी, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, डिवीजन बाई टी का कॉन्सेप्ट है। ये इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन पी से इनफाइनाइट एफ ऑफ पी और यहां पे क्या होता है डी पी। यह आपका डिवीजन बाय टी के कॉन्सेप्ट से आया है कि लाप्लास ऑफ वन अपॉन टी एफ ऑफ टी किसके इक्वल होता है इंटीग्रेशन पी से इनफाइनाइट एफ ऑफ पी डी पी। और यहाँ पे एफ ऑफ पी किसके इक्वल होता है, आइए उसको लिखते हैं, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन पी से इनफाइनाइट, यही होता है लाप्लास ऑफ फंक्शन एफ ऑफ टी और इंटू में क्या हो जाएगा डी पी हो जाएगा, क्योंकि आपका यहाँ पे डी पी ही है। अब देखिए आपको यहाँ पे एफ ऑफ टी क्या दिया गया है, आइए उसको लिखते हैं, ये हो जाएगा लाप्लास ऑफ ई की पावर टी माइनस कॉस टी अपॉन में टी, यह आपका क्वेश्चन है। तो यही हो जाएगा इंटीग्रेशन पी से इनफाइनाइट लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी क्या है,
एफ ऑफ टी आपका है ई की पावर टी माइनस कॉस टी, और यहीं पे क्या हो जाएगा डी पी हो जाएगा। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं, तो यहां पे हो जाएगा इंटीग्रेशन पी से इनफाइनाइट। अब देखिए यहां पे कॉन्सेप्ट करेंगे कि e की पावर t, e की पावर at का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1 अपॉन p माइनस a होता है, जो कि a के स्थान पर 1 है, तो हो जाएगा 1 अपॉन p माइनस a, मतलब 1, तो 1 अपॉन p माइनस 1 हो गया। माइनस cos at का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है p अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए मतलब 1 है यहाँ पे, तो हो जाएगा 1, और इनटू में क्या है डी पी है। अब देखिए 1 अपॉन पी माइनस 1 माइनस पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, और पी के रिस्पेक्ट में से क्या कर देंगे इंटीग्रेशन कर देंगे, वो भी किसके सीमा के अंदर, पी से इनफाइनाइट में। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखिए 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x होता है, तो 1 अपॉन p माइनस 1 क्या हो जाएगा log ऑफ p माइनस 1, और दूसरा क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 log p स्क्वायर प्लस 1। p अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 का जब आप p के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन फाइंड करोगे तो आपको मिलेगा 1 अपॉन 2 लॉग ऑफ p स्क्वायर प्लस 1, और आपका लिमिट क्या क्या है p से इनफाइनाइट। अब देखिए यही हो जाएगा लॉग ऑफ p माइनस 1, यही 1 अपॉन 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट में बदल जाएगा, ये हो जाएगा लॉग अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस 1, लिमिट क्या क्या रहेगा वही रहेगा p से इनफाइनाइट। अब यहाँ पे log m माइनस log n का कॉन्सेप्ट होगा अप्लाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log ऑफ m बाई n, तो ये हो जाएगा log p माइनस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे लिमिट क्या क्या रहेगी p से इनफाइनाइट। अब देखिए जब आप यहां पे क्या रखोगे इनफाइनाइट रखोगे तो यहां पे आपको मिल जाएगा टोटल जीरो, फिर लगाते हो आप माइनस, और आप p के रिस्पेक्ट में रखोगे तो p जहां जहां p है वहीं वहीं p भी रहेगा, तो ये हो जाएगा माइनस log p माइनस 1 अपॉन अंडर रूट p स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए यही पे हो जाएगा माइनस log p माइनस 1 अपॉन अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस 1, यही आपको सो दैट करना था, आप एक बार इसको फिर से देख लीजिए। आपका यही क्वेश्चन नंबर 9 था कि लाप्लास ऑफ e की पावर t माइनस cos t अपॉन t इज इक्वल टू, आपको सो दैट करना है माइनस log ऑफ p माइनस 1 अपॉन अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस 1। तो आप डिवीजन बाय t का कॉन्सेप्ट जानते हो, इंटीग्रेशन पी से इनफाइनाइट एफ ऑफ पी डी पी होता है, एफ ऑफ पी किसके इक्वल होता है लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी होता है इनटू में डी पी। अब आपका एफ ऑफ टी यहाँ पे फंक्शन में क्या है ई की पावर टी माइनस कॉस टी है, तो एफ ऑफ टी के स्थान पे ई की पावर टी माइनस कॉस टी इनटू में डी पी। अब आप ई की पावर ए टी और कॉस ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म जानते हो, वन अपॉन पी माइनस ए होता है e की पावर ए टी का, तो ए के स्थान पे यहाँ पे क्या था 1 था, तो 1 अपॉन पी माइनस 1 माइनस कॉस ए टी का पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो कि यहाँ पे हो जाएगा पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर मतलब 1 इंटू में डी पी। जब आप 1 अपॉन पी माइनस 1 का इंटीग्रेशन निकालोगे तो लॉग ऑफ पी माइनस 1 मिलेगा आपको, और जब आप पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 का निकालोगे तो आपको मिलेगा माइनस 1 बाय 2, जो कि माइनस पहले से है, तो 1 अपॉन 2 लॉग ऑफ पी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे वही लिखा है, और आपका लिमिट क्या क्या रहेगा p से इनफाइनाइट। फिर आप यहाँ पे log m माइनस log n फार्मूला लगाओगे तो log m माइनस 1 हो जाता है, और लिमिट आपका p से इनफाइनाइट ही रहेगा। जब आप यहाँ पे इनफाइनाइट रखोगे तो आपका यहाँ पे जीरो मिलेगा,
फिर लगाते हो आप माइनस लॉग ऑफ, लोअर लिमिट रखते हो तो जहाँ जहाँ पी है वहाँ वहाँ पी ही रहेगा, तो लॉग ऑफ पी माइनस वन अपन अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस वन, जो कि यहाँ पे आपको मिलेगा माइनस लॉग ऑफ पी माइनस वन अपन अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस वन। तो आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन भी समाप्त होता है और आपका ये एक्सरसाइज भी और आपका ये यहाँ पे चैप्टर भी एंड होता है। तो इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म स्टार्ट करेंगे। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।